सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो अजीत वैब टीवी, लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम शौक आपो अपने। अज असी चरणजीत चन्नी के शौकों नूं तुहाडे रूबरू कर रहे हाँ। जलंधर के चरणजीत चन्नी ने कुछ हटके करन दा सुपना देखिया ते उसनूं पूरा करन विच जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। चरणजीत चन्नी ने पिछले काफ़ी समय तो अपने शौक नूं हकीकत दा रूप देने की कोशिश की है। चन्नी दा घर देखने तो पता लगता है कि चन्नी कितना क्रिएटिव है। चन्नी ने अपने घर की लोभी तो लैके बैडरूम नूं कुछ नवी दिख देने की कोशिश की है। चन्नी ने अपने बैडरूम नूं नवी दिख देने लई पानी दीआं छल्लां दा सहारा लिया अते अपने बैडरूम नूं किसी फिल्मी सीन तो घट नहीं दिखाया। मैं बस एक दिन बैठा सगा, मैं बाहरले एक बैड देखा सी, क्वेरिंग वाला बैड देखा। मैं क्या क्यों ना कुछ इस तो अलग सोचे जाए, तो मैं वो देख के कोई अपने को एडवांस सोचा अते अपना बैड तैयार किया, जो कि बहुत ही जाने देखने आ रहे हैं। चन्नी ने वक्रे वक्रे तरह के टैटू बना के कई आकर्षित किया अते नाल ही अपनी पेंटिंग राही कई दिलों जगह बनाई है। जिदा मैंने शुरू तो ड्राइंग का बहुत शौक से, हौली हौली जो मैं बाहर चल गया तो मैं टैटू का काम सीख लिया, फिर टैटू के नाल इतने आ के फिर बाइक पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, बाइक डिजाइनिंग मोडिफिकेशन तो सारा काम कर लग पाया। वाला उसने अपने खून के नाल शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर बना के कई हैरान तो किया ही, कई दिलों देशभगति की भावना भी उजागर किया। चन्नी मुताबक उस द्वारा बनाई गई भगत सिंह की तस्वीर नूं खटखट कलां अजायब घर विच सुशोभित किया जाएगा। इन्ना ही नहीं, चरणजीत चन्नी कोल पंजाबी विरसे संबंधी कई पुरातन वस्तां भी ने जो उसने अपने घर विच सुचज्जे ढंग नाल प्रदर्शित कीतियां होईयां ने। मैनू शुरू तो ही पुराने विरसे नाल प्यार सीगा, मैनू पुराने चीज़ां बहुत प्यारे लगते हैं, इस करके मैं इत्थे कई चीज़ां 80-80 साल पुरानियां, कोई 50 साल पुरानियां, वह मैं इकट्ठियां करके कई किसी फ्रेंड को या अपने नानकियां तो अलग अलग जगह तो इकट्ठियां करके इत्थे रखी हुई हैं। हवेली का बस इदा ही, भगत सिंह जी का जो मैं उत्थे खटखट कला गया उन्होंने घर वगैरह देखा, जिदा पुराना विरसा देखा सीगा, तो उस तरह ही मैं अपनी जी कोठे की एक माउंटी है जो आम कोठे जिथे लोगों ने समान वगैरह रखा होता, तो मैं उसनों ही तैयार किया क्योंकि मेरे नीचे रूम वगैरह कुछ है नहीं सगा, इस करके मैं उपर वधिया जिहा वाला तैयार करता। ये वाला शौक मैंने 6-7 साल तो पहला वाला पिया सगा, पहलों घर दे कहिंदे सी तू की कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जिहड़ी मिट्टी मैं कभी किसी पिंड तो लै के आया, कभी किस पिंड तो, क्योंकि इतने शहर तो मिट्टी मिलती नहीं है, इस करके मैं इतों टड्डे पिंड पैंता जां इतों बटाले तो उतों मिट्टी की बस के बोरी लिया लिया के वो वाली रखी इतने के घर दे कहिंदे तू मिट्टी ना करना की है, पर जब बनाया जब सारे लोगों ने देखा तो बहुत ही वधिया कहिंदे यार ढाडा बंडा बड़ी बहुत ही वधिया किया है। चरणजीत चन्नी ने लगभग 1 इंच की बस भी तैयार की है जो चलती है, इस तो इलावा वह दुपहिया ते चार पहिया वाहनों भी अपनी कलाकृति नाल नवी दिख देने की कोशिश करता रहिंदा है। इस तो अलावा एक मैं दुनिया की सब तो छोटी बस बनाई हाँ जो 1 इंच तो छोटी है जो कि चलती है, अते एक वैसे उदा एक छोटा जिहा ट्रैक्टर बनाया, तो एक मैं छोटा जिहा घर बनाया 9 इंच का जिहदे विच बैडरूम ड्राइंग रूम किचन वगैरह सारा कुछ बनाया होया है। वैसे ही मैं सोचा सीगा कुछ दुनिया तो अलग हट के करा, इस करके मैं छोटे छोटे चीज़ा कुछ ना जो भी दिमाग चाहता रहा अपना हरेक कुछ जो भी मन चाहता मैं पूरा जरूर करता। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा है, मैं 8 फुट की भगत सिंह जी की पेंटिंग बना चाहता जो कि गिनीस बुक के विच आऊगी। उसके माता भी उसके शौक नूं पूरा करन संबंधी सहयोग दे रहे हैं अते उन्हां नूं आस है कि चन्नी एक दिन कुछ नवा ते वक्रा जरूर करेगा। इन्हां दा शौक है ना बचपन तो शौक है इन्हां दा, 5-7 साल तो ड्रैंग करन ते शुरू कीते, इन्होंने स्कूल च पढ़ते पढ़ते ड्रैंग करनी शुरू कर दिती। शौक है अपनी लकड़ दियाँ चीज़ा निकिया कारा की कुछ ना कुछ ये बनाने तो शुरू किया इन्हें अंदर बैठ बैठ के,
ਇਹਦੀ ਰੀਝ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਰੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਾਰਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ